हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। आज मैं आपको कार्बन एनलिट्स कंपाउंड का आगे का पार्ट कंटिन्यू करवाऊंगी। ये जो चैप्टर है, चैप्टर 4 है कार्बन एनलिट्स कंपाउंड क्लास 10th का। इसमें मैं आपको काफ़ी चीज़ें समझा चुकी हूँ, मतलब कि कार्बन की इम्पॉर्टेंस क्या होती है, कार्बन में जो बॉन्ड होता है वो कैसा बॉन्ड होता है, इसके अलावा आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो ये सब चीज़ें मैंने आपको करवा दी हैं। आज मैं आपको इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करवाऊंगी, जिसमें हम कार्बन के बारे में ही और चीज़ें पढ़ेंगे, मतलब कि कार्बन की कुछ ऐसी यूनिक प्रॉपर्टीज़ जो कार्बन को बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे सेपरेट बनाती है। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं कि जो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6 एटॉमिक नंबर होता है। और इसका जो अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें, मतलब जो के एलिमेंट शेल्स होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन, तो ये देखिए, पहले तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखा है He2S2 2P2, इस तरीके से SPDF, हमारे पास ये 4 ब्लॉक्स होते हैं। अगर के एलिमेंट शेल्स में हम बात करें, ये हो गया KLM, तो K में आते हैं 2 और L में आएंगे 4। सो यहाँ पे टोटल जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए। तो मतलब कि जो लास्ट शेल है इसका L शेल होगा वो, और उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने कितने डाले, यहाँ पे 4 डाले हैं। अब ये जो 4 यहाँ पे मैंने लिखा है ना, इसको आप मेक श्योर करिएगा कि आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पे ना हमारी जो आगे की जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपको इसी से समझ में आएंगी। अब देखिए, कोई भी जो एलिमेंट होता है, किसी भी एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है उसकी टेंडेंसी पे कि वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो आउटर शेल होता है, मतलब ये जो आउटर शेल हो गया, किसी में ये के आउटर हो सकता है, किसी में एल हो सकता है, एम हो सकता है, किसी में एन, तो कोई भी जो एटॉमिक नंबर होता है उस अकॉर्डिंग हम आउटर शेल को निकालते हैं। सो जो आउटर शेल होता है ना, इसको कम्प्लीटली फिल्ड करने के लिए जो भी एक किसी भी एलिमेंट की जो टेंडेंसी होती है उसे हम रिएक्टिविटी कहते हैं। कोई भी जो एलिमेंट की रिएक्टिविटी होती है ना, उसको हम इसी चीज़ से एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए, ये जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना होता है, यहाँ पे एक वर्ड आएगा ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है 8। न्यूलैंड ने ये बात दी थी कि जो ऑक्टेट रूल है, अष्टांग नियम है, जिसमें हमें क्या पूरे करने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना पड़ता है। अब अगर मानिए, जैसे के है ना, एल शेल लगा लिया, यहाँ पे लगा लीजिए कोई भी एलिमेंट है जिसका मैंने यहाँ पे 6 लिखा, तो यहाँ पे 6 है, तो इट मीन्स कि इसको 8 बनाने के लिए कितने कम है, 2 और चाहिए। तो यहाँ पे इस एलिमेंट के लिए 2 लेना इजी होगा, बजाय इसके कि अपने 6 के 6 दे दे। तो किसी भी जो एलिमेंट की ना, एक टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, और एक टेंडेंसी होती है किसी भी जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, वो लूज करते हैं। सो इस चीज़ के लिए, किसके लिए, 8 ऑक्टेट बनाने के लिए। सो यहाँ पे यही चीज़ आपको समझा रखी है, जो एलिमेंट्स आयनिक कंपाउंड बनाते हैं वो या तो गेन करते हैं या लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को के लिए, कहाँ से, आउटर मोस्ट शेल पे। अगर इलेक्ट्रॉन्स कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 3 हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे इनको देना इजी है और अपने आप को 0 बनाना इजी होता है। लेकिन अगर यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है, तो ऐसे सिचुएशन में इनके लिए जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको लेना ईजी होगा 8 कम्प्लीट करने के लिए। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर लिख कर समझा रखी है। इसके अलावा अगर हम कार्बन की बात करें, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स की बात करी गई थी जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है, लेकिन जो कार्बन होता है, कार्बन के अंदर होता है कोवलेंट बॉन्ड, जो कि किससे बनता है, शेयरिंग से बनता है। तो यहाँ पे बात करी गई है कार्बन की। कार्बन में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, जैसे के में आए 2, एल में आए 4, तो इट मीन्स एल जो है ना इसका आउटर मोस्ट शेल है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखा रखी है कि जो आउटर मोस्ट शेल है ना कार्बन का, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको दे रखे हैं, और ये गेन करे और लूज़ करे 4 इलेक्ट्रॉन्स को, ये दोनों ही चीज़ें इसके लिए पॉसिबल हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या है, 4। 4 को देंगे तो भी 4 ही चाहिए होंगे, और अगर लेते हैं तो भी 4 ही चाहिए, मतलब ये 4 किसी और एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दे के 0 बन सकता है, और 4 किसी और से लेके ये 8 भी बहुत ही ईजिली कम्प्लीट कर सकता है। सो जो ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें देना और लेना दोनों ही सिचुएशन इक्वल है, दोनों ही बहुत इजी हैं, तो ये एक कार्बन की एक सेपरेट प्रॉपर्टी, एक यूनिक एलिमेंट कार्बन को बनाती है। इस पैराग्राफ में आपको यही चीज़ें दिखा रखी हैं, इसको मैं एक बार रीड कर देती हूँ। द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड आउटर शेल दैट इज अटेन नॉबल गैस कॉन्फिगरेशन। एलिमेंट फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स अचीव दीज बाय ईदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल।
अगर कार्बन की बात करें, यहाँ पे जो ऊपर पैराग्राफ है ना वो आपको आयनिक कंपाउंड्स का दे रखा था और नीचे जो आपको बता रखा है वो कार्बन के लिए बता रखा है। अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कार्बन है ना उनके पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो ये दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं नॉबल गैस कॉन्फिग्रेशन के लिए। सो इफ़ वर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे दो सिचुएशंस आपको दे रखी हैं कि अगर जो 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट में वो अगर गेन करें, मतलब 4 और ले लें और 8 कंप्लीट करें, और एक सिचुएशन दे रखी है कि जो 4 दे रखे हैं उसको लूज करके ये क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो दोनों ही सिचुएशंस यहाँ पे आपको दे रखे हैं और इसको समझिए ध्यान से। अगर गेन करे जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या बनेगा, C4- आयन बन जाएगा, अनायन सॉरी, और अगर लूज करता है तो C4+ कटायन हो जाएगा। देखिए केमिस्ट्री में ना प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में डिफरेंस होता है। अगर माइनस है, वैसे जो मैथ्स में हम नॉर्मल माइनस पढ़ते हैं ना, उस माइनस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना, और प्लस का मतलब होता है एडिशन। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन वाला केस है या जो केमिस्ट्री में आप ये चार्जेस को पढ़ेंगे तो जो प्लस है ना इसका मतलब होगा किसी चीज़ को लूज करना। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं तो यहाँ पे चार्ज कैसा है, C4+, और जो क्या हो गया, कटायन। फर्स्ट सिचुएशन में माइनस का और वैसे तो मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में इसका मतलब होगा पॉजिटिव। सो जब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो ये क्या बना, C4- अनायन ये बन गया। तो ये चीज आपको यहाँ पे पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके अलावा कार्बन का लास्ट यहाँ पे जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, देखिए अब ना आपके पास में 3 तरीके के बॉन्ड आएंगे। एक आता है हमारे पास में सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को कहते हैं एन, डबल बॉन्ड को कहते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड को कहा जाता है आइन। तो ये 3 बॉन्ड अब हम ये पढ़ने वाले हैं, इन, एन, इन और आइन। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए एल्केन, तो जब साउंड आएगा एन का तो उसे हम पढ़ते हैं सिंगल बॉन्ड में, और जब साउंड आएगा इन का मतलब कि एल्कीन हो गया तो ये होगा हमारा डबल बॉन्ड, और अगर आता है एल्काइन तो एल्काइन का मतलब आइन वर्ड हो गया, तो यहाँ पे क्या कौन सा बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है। इसके लिए फॉर्मुलेज भी आते हैं हमारे पास में, जैसे CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। तो ये तीनों फॉर्मुलेज आपको याद रखने हैं, एन में और आइन में। तो ये चीज़ हो गई आपकी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ में। सो यहाँ पे जो आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं इनमें आपको ऐसे ही वो बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इन एलिमेंट्स का। एक मिनट मैं आपको दिखाऊँ स्ट्रक्चर कैसे आप ड्रॉ करेंगे इसमें एलिमेंट्स का। यहाँ पे देखिए ये जो एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर्स हैं ना ये हम ड्रॉ करना सीखेंगे, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगी जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। सो इन शॉर्ट आपको याद रखना है आज हमने क्या देखा, कार्बन में जो ये गेन और लूज करने की, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लूज कर सकते हैं बहुत ईजिली, या फिर जो कार्बन है ना इसे एक ये एक यूनिक आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको ये गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। और ये दोनों सिचुएशंस मैंने आपको बताई कि गेन करने की सिचुएशन में क्या चीज़ होगी और लूज करने की सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। इसके बाद में नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको इसके स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊंगी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।